Hey guys, morning! Welcome back to my new video. आज हुआ है सैटरडे, I just took shower. Now I'm gonna take my breakfast. उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा और मैं मिलूंगा आपको उसके बाद. आज हुआ है अक्टूबर 2nd एंड आप सबको पता है कि आज गांधी जी का जन्म हुआ था. सो हैप्पी गांधी जयंती टू एवरीवन. आज का दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी कहा जाता है. तुलसी माता को धूप में रख दिया है. ये देखो गाइस, आज का वेदर बहुत सुंदर है. आज है 72 डिग्री फारेनहाइट. फैमिली के साथ बात किया और ब्रेकफास्ट किया, अच्छे से टीवी देख रहा था. अभी हुआ है 12 और अभी मैं जा रहा हूँ हेयर कट के लिए. मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हेयर कट होता कैसे है, कितने रुपये में होता है. सो क्या लगता है आपको US में हेयर कट कितने डॉलर में होता होगा? मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे हेयर कट के लिए डिफरेंट स्टोर है. ऑन एन एवरेज आप $15 कंसीडर कर सकते हो एक नॉर्मल हेयर कट के लिए. बट क्या होता है कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे एक या दो स्टोर आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो लोग थोड़े सस्ते में हेयर कट करते होंगे वो जनरली इंडियन हो सकते हैं, वियतनामी हो सकते हैं या मिडल ईस्ट के लोग हो सकते हैं. अभी मैं जो स्टोर में जा रहा हूँ आई थिंक वो स्टोर का ऑनर मिडल ईस्ट वाला है. 3-4 बंदे वहाँ पे है, वो लोग हेयर कट करते हैं. लगता है कि वो सब एक ही फैमिली के हैं. सो वो लोग $8 में हेयर कट करते हैं. प्लस यहाँ पे US में जो भी आप सर्विस लेते हो बाहर से तो उसका 15-20% आप टिप देते हो. तो मान लो कि $2 टिप दे दिया तो भी आपका हेयर कट $10 में हो जाएगा. कम्पेयर टू अदर स्टोर आप $5-6 सेव कर लोगे. ओके सो आपको अंदर से एक ऐसी टिकट मिलेगी. तो मेरा नंबर है 36. तो अभी मेरे को वेट करना है. मैंने देखा अंदर 7-8 बंदे बैठे थे मेरे आगे. जनरली जो ऐसे लोकल स्टोर रहते हैं वो ओनली कैश में एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट. तो आप डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते हो. ओके हेयर कट हो चुका है. जैसे मैंने आपको बताया था 40 मिनट्स में हो गया है काम. अभी हुआ है 12:40. तो अभी मैं जा रहा हूँ घर के लिए. मेरे को कमेंट में बताओ कि हेयर कट कैसा लग रहा है. जो मेरा हेयर कट करने वाला बंदा था वो रजनीकांत था. उसने 2 मिनट में मेरा हेयर कट कर दिया. अब हम उसका 1 आवर का पे काउंट करते हैं. ओके सो मानो कि उसने मेरा 2 मिनट में हेयर कट कर दिया तो उसका हुआ $10. तो मतलब एक घंटे में वो 30 लोगों का हेयर कट कर सकता है अगर ये रजनीकांत की स्पीड से उसने काम किया तो. तो वो हिसाब से हो गया 30 × 10 मतलब $300. तो ये बंदा जो हेयर कट कर रहा है, जो बार्बर है, वो एक घंटे में $300 कमा सकता है. तो देख लो आप, अगर आप USA आने का सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा तो मैं आपको बता दूं कि $300 पर आवर यहाँ पे नहीं इंजीनियर कमा सकता कि नहीं डॉक्टर कमा सकता, ये बस एक रजनीकांत बार्बर ही कर सकता है. ओके गाइस, सो मैं रेडी हो चुका हूँ नहा के और ये रहे फाइनल वर्जन ऑफ माय हेयर कट जो एकदम बेकार है. तो अगर आप कमेंट करने का सोच रहे हो तो कमेंट ना करना बिकॉज मेरे को पता है कि हेयर कट बहुत ही बेकार हुए हैं. अभी 4 बजा है. हेयर कट कराने के बाद लंच किया और फिर सो गया था और फिर टीवी देखा. पता नहीं आज वेदर इतना बेकार है. आप देखो यहाँ पे क्लाउडी एंड थोड़ा रेनी होके रखा है. धीरे धीरे बारिश भी हो रही है तो मेरे को ऐसा वेदर पसंद नहीं है. पता नहीं बॉडी में आलस आ जाती है जब ऐसा वेदर होता है. तो अभी हम लोग घर क्लीन कर रहे हैं तो दामिनी बाथरूम क्लीन कर रही है और मैं अभी करूँगा वैक्यूम और उसके बाद मैं मेरा फर्नीचर क्लीन कर दूंगा. तो इससे क्या है कि 1-2 घंटा टाइम भी निकल जाएगा और घर भी क्लीन हो जाएगा. देखो कितना सारा डस्ट निकला है. ओके सो वैक्यूम तो हो गया है तो अभी मैं करूंगा मेरा फर्नीचर क्लीन क्योंकि फर्नीचर पे भी बहुत डस्ट आती है. दिखती नहीं है बिकॉज मेरा फर्नीचर व्हाइट कलर का है बट जब आप साफ करते हो तब पता चलता है कि कितनी सारी डस्ट जमा होके रखी है फर्नीचर के ऊपर. गाइस क्या आप लोग मेरे अपार्टमेंट की टूर देखना चाहते हो? अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो और मैं आपके लिए बनाऊंगा मेरा अपार्टमेंट का टूर वीडियो.
ओके सो घर को एकदम चमका दिया है और घर को चमकाने में हमको लगा 1 hour and 15 minutes. सो अभी मैं करूंगा एडिटिंग. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एडिटिंग के लिए मैकबुक का डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर iMovie यूज करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा था कि तू कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है. तो मेरे पास अभी कोई फाइनल कट प्रो और ऐसा एक्सपेंसिव एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है. सो मैं अभी एडिटिंग कर रहा था और एडिटिंग के बीच में मेरे को एक फनी सा जोक्स याद आ गया, तो मैंने सोचा कि ये जोक्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ. ये जोक्स जो है मैं गुजराती में बोलूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है इसका मजा गुजराती में ही आएगा. सो जोक्स कुछ ऐसा है, एक भाई है, तो ये भाई ने मिलिट्री में ज्वाइन था, तो मिलिट्री में ज्वाइन થવા માટે એને સખત મહેનત કરી, 2 વર્ષ સુધી એને સખત મહેનત કરી અને ફાઇનલી એનું સિલેક્શન થઈ ગયું. હવે જ્યારે એનું સિલેક્શન થઈ ગયું અને એનું જોઈનિંગ હતું, તો એના આગલા દિવસે એણે છે ને ગામમાં પાર્ટી રાખી એના બધા ફ્રેન્ડ લોકો જોડે, અને પછી બધાને ટાટા બાય બાય કહી દીધું, બીકોઝ બીજા દિવસે સવારે તો એને જોઈન કરવાનું હતું મિલિટરી. પણ બીજા દિવસે સવાર પડી ત્યારે એ ભાઈ ગયો નહીં મિલિટરીમાં. એનો એક ફ્રેન્ડ મળ્યો એને, તો એનો ફ્રેન્ડ કે અલ્યા તું તો યાર જવાનો તો મિલિટરીમાં, કેમ ગયો નહીં? તો પેલો કે બસ એમ જ ના ગયું. એટલે પેલો એનો ફ્રેન્ડ કે એવું થોડુંક ચાલે, મતલબ તું આટલા વર્ષોથી મહેનત કરે છે, ફાઇનલી તારું સિલેક્શન થઈ ગયું ને, હવે તું જોઈન નહીં કરતો, રીઝન શું છે, સાચું રીઝન કે મને? તો પેલો ભાઈ કે જે મિલિટરીમાં જોઈન થવાનો હતો, એણે કીધું કે હું મિલિટરીમાં જોઈન તો થાત, બટ અગર હું મિલિટરીમાં જોઈન થાત તો 2 વાત થાત, મારે સરહદ પર લડવા જવું પડે અને નાએ જવું પડે. અગર સરહદ પર લડવા ના જવું પડે તો કોઈ વાંધો નહીં, પણ અગર સરહદ પર લડવા જવું પડે તો પાછી 2 વાત થાત, યુદ્ધમાં મરી પણ જવાય અને ના પણ મરી જવાય. હવે ના મરી જવાય તો કોઈ વાંધો નહીં, પણ મરી જઈએ તો પાછી 2 વાત થાય, દાટી પણ દે અને બાળી પણ દે. દાટી દે તો વાંધો નહીં, પણ બાળી દે તો પાછી 2 વાત થાય. એ જે રખ્યા બને એમાંથી સાબુ એ બને અને પાવડર બી બને. પાવડર બને તો વાંધો નહીં, પણ સાબુ બને તો પાછી 2 વાત થાય. પુરુષોએ નાય અને સ્ત્રીઓ પણ નાય. પુરુષો નાય તો વાંધો નથી, પણ સ્ત્રીઓ નાય તો મને શરમ આવે. તો બસ એ સ્ત્રીઓ નાય તો એને શરમ આવે, એટલા માટે જ એ ભાઈ મિલિટરીમાં જોઈન ના થયો. તો આ એનું રીઝન હતું. તો બસ ગાઈઝ, આજ કે લીએ બસ ઇતના હી. આઈ હોપ કે આપકો વિડિયો પસંદ આયા હોગા. અગર વિડિયો પસંદ આયા હૈ તો લાઈક એન્ડ કમેન્ટ કરકે જાના. અગર આપ ચેનલ પે નયે હો ઓર અગર આપને સબસ્ક્રાઇબ નહીં કિયા હૈ તો સબસ્ક્રાઇબ કરકે જાના. મેં આપકો મિલતા હું નેક્સ્ટ વિડિયો મેં. ટિલ ધેન કીપ હસલિંગ, કીપ લવિંગ, બી હેપી એન્ડ સ્ટે સેફ. બાય. તો પેલા ભાઈ જેને મિલિટરીમાં જવાનું હતું એને રીઝન આપ્યું, તો રીઝન કંઈક આવું હતું. એ ભાઈએ એવું કીધું કે હું મિલિટરીમાં જાઉં તો 2 વાત થાય, મારે સરહદ પર લડવા જવું પડે અને નાએ જવું પડે. બગાડી ગયા આટલું કટ કરી દેજે યાર, મને પ્લીઝ. ના હસી ચાલુ કરે, આખો જોક્સ બગાડ્યો, મહેનત બગાડી મારી. સ્ટોપ કર ના, ચાલુ કરે. તો અબ તું યાર હસે, મને હસવું આવે. નહીં હસું લે. સારું, ઓકે. સો મને કે ચાલુ કરો. હારું બ્રો.